आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि 2 साल पहले रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात कर यह सुनिश्चित किया था कि युद्ध प्रभावित इलाकों में से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला जा सके। मुंबई में मीडिया हाउस के संपादकों से बातचीत में जयशंकर ने बताया कि भारतीय छात्रों को वहां से निकालने का घटनाक्रम कैसे चला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने खार्किव और सुमी में भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए पुतिन को 2 बार और जेलेंस्की को 1 बार कॉल किया था। जयशंकर ने कहा कि 2 घटनाएं थी, एक खार्किव में और एक सुमी में। खार्किव वाले घटनाक्रम में हमने स्टूडेंट से कहा था कि वे शहर से बाहर आकर एक तय जगह पर पहुंच जाए जहाँ से उन्हें पिक किया जा सके। सब कुछ सेट था, स्टूडेंट ने उस जगह पहुंचना शुरू कर दिया, लेकिन तभी किसी गलतफहमी की वजह से रूसी सेना ने उस जगह पर फायरिंग शुरू कर दी जहां हमने अपने छात्रों को जुटने के लिए कहा था। जयशंकर ने बताया कि तब पीएम मोदी ने पुतिन को फोन किया और उन्हें बताया कि हमारे लोगों ने एक सेफ जोन बनाया है और मोदी ने पुतिन से पूछा कि आप सेफ जोन पर फायर कैसे कर सकते हैं। इसके बाद पुतिन ने कहा कि इसे लेकर वे कुछ करेंगे। 2-3 घंटे बाद हमें मैसेज मिला कि फायरिंग रुक गई है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।